ਗੱਲਾਂ ਨੀਤੂ ਸੱਚਣ ਸਚਾਉਣ ਦੇ ਸੂਰਜ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि बहुत वेडिंग्स भी आ रही है, मुझे कुछ इंडियन वेयर चाहिए था और ऐसे आउटफिट्स में चाहती थी जो मैं डेली वेयर पे भी पहन पाऊँ। हम इतने एक्सपेंसिव आउटफिट्स ले लेते हैं वेडिंग्स के लिए और वो हम डेली ना पहन पाए, तो मैं इसलिए सोच रही थी कुछ ऐसे आउटफिट्स हों जो मैं ज्वेलरी के साथ ऐड करके बाहर भी अच्छे से कहीं पहन सकूँ और डेली वेयर भी मुझे काम आ जाए। बहुत अच्छा कलेक्शन है, प्लीज वीडियो पूरा देखें एंड आई एम श्योर कि आपको कोई ना कोई आउटफिट तो जरूर पसंद आएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये येलो फ्लोरल कुर्ता मैंने एक लिया, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मतलब इसे येलो बोलूं या मस्टर्ड कलर बोलूं, उसी कलर में कुछ ये कुर्ता है, ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। इसमें रेड फ्लावर्स बने हुए हैं, मतलब दूर से ही चमकता है ये कुर्ता। और इस कुर्ता की तरफ आकर्षित होने का मेन रीजन था जो इसकी स्लीव्स पे ब्रॉड लेस लगा रखी है ना, नेट वाली, वो मुझे बहुत ज्यादा अमेजिंग लगी। मुझे वो व्हाइट कलर में भी वो लेस बहुत अच्छी लगती है और इसमें येलो है तो ऑब्वियसली येलो कलर में लेस लगाई हुई है, वो बहुत अच्छी लगी। और मेरा ये मानना है कोई भी कलर का कुर्ता हो ना, व्हाइट प्लाजोज सबके साथ जाते हैं। तो आप एक ही व्हाइट प्लाजो ले लोगे ना तो हर कुर्ते पे चला ही जाता है वो। येलो पे येलो प्लाजो पहनोगे थोड़ा सा किडिश लगता है, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि या तो मैं ब्लैक प्लाजो पहनूं या बेज टोन में कुछ ले लूं, या व्हाइट, बेज भी एकदम सेफ चॉइस है, तो आप वो पेयर कर सकते हो इसके साथ। और ये मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल में ही लिया था, शर्ट स्टाइल कुर्ता है, मतलब बटन्स हैं, ओपन कर सकते हैं जिससे आप। और ये मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल साइज में ही लिया था, इसकी फिटिंग भी मुझे लाजवाब आई है। इस कुर्ते के तो कलर्स आप देखो, ये पिंक या पीच टोन में कुर्ता था जिसमें ब्लू फ्लोरल प्रिंट का कुर्ता है, ये बहुत मुझे अच्छा लगा क्योंकि इसे पहन के ना थोड़ा सा ब्लश जैसा लुक आ रहा था। कलर्स बहुत अच्छे हैं इसके, इसकी स्लीव्स पे भी लेस है और शर्ट के डिजाइन में ये कुर्ता है। और इसमें बेस्ट चीज मुझे लगी जो ये लेस टाइप या पाइपिंग टाइप इसे बोलेंगे, जो कॉटन बॉल्स की तरह लग रही है, तो वो भी बहुत अच्छी लग रही है। पहने हुए फिटिंग भी इसकी लाजवाब आ रही है। ये मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल साइज में ही लिया था और इसकी जो मुझे फिटिंग आई है ना वो बहुत अच्छी है। ये शोल्डर से आप देखो और फ्रंट से देखो, बहुत अच्छी फिटिंग एंड बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। बस आपको ये कुर्तों को ना स्टाइल करना आना चाहिए, अच्छे से कैरी कर सको आप, मतलब इस तरह की ज्वेलरी हो जो इन कुर्तों पे चली जाए, हेयर स्टाइल, मेकअप एंड एवरीथिंग। और ये कुर्ते आपको एफर्टलेसली ब्यूटीफुल दिखाएंगे। कभी कभी ना मेरे, मतलब आप देखोगे तो मेरे पास ज्यादा जीन्स और टॉप का ही कलेक्शन है, कुर्तेज मेरे पास बहुत ज्यादा कम है। बट मेरा कभी कभी बहुत मन करता है कुछ सिंपल कुर्ता सेट होता तो मैं पहनती, जैसे कैजुअली शॉपिंग के लिए जाना हो, मतलब कहीं भी जाना हो, रिलीजियस जगह जाना हो या फिर कैजुअली जाना हो शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए, तो कभी कभी मन करता है कि कोई कुर्ता सेट आप पहनो। ऐसे कुर्ते हैं जिससे आप स्टाइल करोगे तो आप इसे फैंसी भी बना सकते हो और अदरवाइज आप इसे नॉर्मल डेज पे भी पहन सकते हो। बहुत अमेजिंग कलेक्शन है यार, ये कुर्ता तो क्लास है, बहुत ही अमेजिंग कुर्ता है। स्लीव्स पे जो लेस लगी हुई है और फ्रंट में भी वी शेप में, मतलब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा क्लॉथ टाइप लगा हुआ है वो बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है। एंड मैं सजेस्ट करूंगी इस कुर्ते के साथ आप हल्की सी चेन पहनोगे ना वो बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि ये आपका नेक अलग से ही दिखाता है। बहुत अच्छा एंड बहुत क्लासी लगा मुझे ये, मतलब मुझे ऐसा लगा ना ये एफर्टलेसली आपको बहुत ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट दिखा सकता है। फ्लोरल प्रिंट का कुर्ता है, इसके साथ भी आप बेज ट्राउजर्स पहन सकते हो या बेज पैंट्स पहन सकते हो। ये भी मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल में लिया था, हल्का सा लूज है जो इसका अच्छा पॉइंट ही है, मतलब थोड़े लूज कुर्ते भी कभी कभी बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। आप इसे एक पर्स के साथ स्टाइल कर सकते हैं और थोड़ा सा मेकअप के साथ अच्छा लगेगा बहुत ज्यादा ये। यूजुअली इंडियन वेयर में मुझे स्मॉल साइज आ जाता है, मतलब अगर मैं रैंडम या कोई भी ब्रांड्स के साथ ऑनलाइन शॉप करती हूँ तो मैं स्मॉल साइज ही लेती हूँ। बट वेस्ट साइड में मुझे लगता है आपको एक साइज कम जाना चाहिए, तो मुझे इसमें एक्स्ट्रा स्मॉल परफेक्ट आता है। एक ये कुर्ता मैंने लिया, मतलब इसका मैं पर्पलिश टोन बोलूं या ब्राउन टोन बोलूं, वैसे तो ये पर्पल टोन में ही था, इसमें गोल्डन कलर के फ्लावर्स बने हुए हैं तो बहुत अच्छा देते, ज्यादा कलरफुल भी नहीं है, एक गोल्डन और पर्पल का प्रिंट बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल साइज में ही लिया था और बहुत स्मार्ट पीस लगा मुझे ये। आप इसे अगर अच्छे से देखोगे तो इसमें थोड़ा सा ना, मतलब ग्लिटरी सा या फिर शाइनी सा इफेक्ट है, मतलब थोड़ा सा शाइन करता है ये कुर्ता, तो इसे आप थोड़े फंक्शंस में भी पहन सकते हो गोल्डन ज्वेलरी के साथ और अच्छे से थोड़ा मेकअप एंड हेयर स्टाइल करके, बहुत अमेजिंग लगने वाला है।
शर्ट स्टाइल का ये कुर्ता है और इसको देख के ना ऐसा लगता है जैसे रॉ सिल्क की साड़ियां होती थी ना, उसी से ये कुर्ता बनाया हुआ है। थोड़ा सा डिफरेंस है, यूजुअली कुर्ते पे मैंने ये प्रिंट देखा नहीं तो मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा। नाउ दिस कुर्ता आई रियली रियली लाइक इट। मुझे ना हल्के कलर्स बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो ये लाइम कलर का कुर्ता है जिसपे ब्लू फ्लावर्स बने हुए हैं, तो कॉम्बिनेशन में मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और थोड़ा सा तड़कीला भड़कीला नहीं है, अच्छा कुर्ता है। मैं चाहूँ तो इसे कैजुअली भी पहन सकती हूँ, और वो भी मैं इसे पेयर करूंगी बेज पलाजो पैंट्स के साथ। ये भी अनारकली और फ्रॉक स्टाइल का कुर्ता है, बड़ा ही लाइट वेट का कुर्ता है। आप इसे आराम से पहन सकते हो, चाहे कितनी भी गर्मी हो आप इसमें कंफर्टेबल रहने वाले हो। और जैसे होता है ना काफी टाइम के लिए आपको पहनना है, तो उसके लिए ये बेस्ट कुर्ता है। 3/4 स्लीव्स हैं इस कुर्ते की, आगे जो फ्रंट पे बटन्स लगा रखे हैं उससे बड़ा ज्यादा स्मार्ट लुक देता है ये। और ऐसे कुर्ते में ना मुझे लगता है हेयर स्टाइल में थोड़ी ब्रेड्स की हो ना तो वो बहुत अच्छा लगता है। और छोटी सी बिंदी भी आप लगा सकते हो हल्का सा मेकअप करके, एंड नीचे जुत्ती पहन सकते हो आप, बड़ा अच्छा लुक आने वाला है। मैं जरूर ये कुर्ते स्टाइल करके आपको दिखाऊंगी। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, अपना यूजर नेम मैंने स्क्रीन पे डाल दिया है, प्लीज जाके चेक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और कोई भी आउटफिट अच्छा लगा तो लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हैं। और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आपको सबसे अच्छा आउटफिट कौन सा लगा। एंड यस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, मैंने अपना यूजर नेम स्क्रीन पे डाल दिया है, आप चेक कर सकते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय।